नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि भारत पुलवामा हमले का पाकिस्तान से और एक बार बदला ले तो इस वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, वाघा बॉर्डर के रास्ते आज दोपहर करीब 2 बजे पाकिस्तान से एयरफोर्स के विंग कमांडर अभिनंदन वतन वापस लौट रहे हैं। पूरा देश उनके स्वागत के लिए पलखे बिछाए खड़ा है। बताया जा रहा है कि विंग कमांडर को लेने एयरफोर्स अफसरों की एक टीम बॉर्डर जाएंगी, वही अभिनंदन के माता पिता इसी मौके पर मौजूद रहेंगे। बेटों को लेने के लिए आज सवेरे चेन्नई से माता पिता फ्लाइट से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। यहां लोगों ने ताले बजाकर उनका स्वागत किया। देर रात करीब 1:30 बजे चेन्नई से दिल्ली पहुंचे और फिर दिल्ली से फ्लाइट चेक करके अमृतसर निकल गए। वही विंग कमांडर की वापसी के चलते वाघा बॉर्डर के कई सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं। लोग काफी संख्या में इस बहादुर जवान का स्वागत करने के लिए खड़े हैं। लोग हाथों में तिरंगा और ढोल नगाड़े लेकर स्वागत को तैयार है। पूरा देश विंग कमांडर की बहादुरी का अभिनंदन कर रहा है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इच्छा जताई है कि पाकिस्तान से लौट रहे विंग कमांडर अभिनंदन के स्वागत का मौका उन्हें दिया जाए। कैप्टन ने इस संबंध में ट्वीट कर पीएम नरेंद्र मोदी से अपील की है। सीएम ने कहा है कि पीएम को संबोधित करते हुए ट्वीट किया गया है कि वह समय पंजाब के सीमांत इलाकों का दौरा कर रहे हैं, वह अमृतसर में है। उन्हें पता चला है कि पाक सरकार ने विंग कमांडर अभिनंदन को वर्तमान को वाघा बॉर्डर के जरिए भारत भेजने का फैसला किया है। पीएम न्यूज 24 की रिपोर्ट। पुलवामा में जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया है। सूत्रों के मुताबिक 1 दर्जन मिराज विमानों ने पाक अधिकृत कश्मीर में घुसकर जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को लगभग 100 किलो विस्फोटक गिराया है। सूत्रों के अनुसार वायुसेना ने करीब 12 मिराज 2000 विमानों का इस्तेमाल करते हुए पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया है। खबर यह आ रही है कि जिस जैश के कई प्रमुख सरगना भारत में ऐसे हमले की पहले से अंदाजा लगा चुके थे और उन्हें अपने ठिकाने बदल लिए थे। खुफिया सूत्रों के अनुसार इस हमले की आशंका जैश के आंकड़ों को पहले से ही थी, इसलिए उन्हें उनके कई प्रमुख आतंकी आकाश सुरक्षित ठिकानों पर चले गए थे। जैश ए मोहम्मद की खुफिया मौलाना मसूद अजहर का भाई भी शायद पंजाब के अपने ठिकानों से कहीं और चला गया। सूत्रों के अनुसार मौलाना मसूद अजहर भी खुद को बलरामपुर जैश कैंप में नहीं है। भारतीय वायुसेना ने करीब 1000 किलोग्राम विस्फोटक का इस्तेमाल किया है। इसका इस्तेमाल आतंकी ठिकानों को तबाह करने के लिए किया गया है। सबसे पहले पाकिस्तान की सेना ने यह स्वीकार किया था कि भारतीय विमानों ने उनकी सीमा में घुसकर विस्फोटक किया है। मंगलवार को तड़के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफ्फार ट्वीट ने किया, भारतीय वायुसेना ने नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किया। पाकिस्तान वायुसेना ने तुरंत कार्रवाई की, भारतीय विमान वापस चले गए। कपूर की तरफ से इस दावे के लिए डिट्वीट किया गया। पीएम न्यूज 24 की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि भारत पुलवामा हमले का पाकिस्तान से बदला ले तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के गढ़गांव में 7 किलोमीटर दूर गारे गांव में एक विंग लड़ाकू विमान क्रैश हो गया है। विमान खेत में जाकर गिरा और इसमें आग लग गई। हादसे की वजह से अब तक साफ नहीं हो पाई है, मगर पाकिस्तानी मीडिया का ये दावा है कि पाकिस्तान ने हमारे 2 विमान मार गिराए हैं। ये पाकिस्तान की मीडिया में अभी फैल रहा है। हादसे में दोनों पायलटों की मौत की आशंका जताई जा रही है। इस विमान में श्रीनगर एयरबेस से उड़ान भरी थी। सूत्रों का कहना है कि कश्मीर में विमान पेट्रोलिंग पर था तभी क्रैश हो गया। प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि विमान नीचे गिरा और आग निकलने लगी और थोड़ी देर में जोरदार आवाज आ गई और विमान क्रैश हो गया। इसमें आग लग गई और मौके पर पुलिस और बचाव दल पहुंचा। मालूम हो कि यह घटना ऐसे वक्त में हुई है जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल है। बता दें कि बीते 20 दिनों में भारत के 5 विमान क्रैश हुए हैं। हाल ही में बेंगलुरु में एयर शो के दौरान 2 सूर्य के विमान आपस में टकराकर क्रैश हो गए थे। गौरतलब है कि वड़गांव के राजस्थान में पोखरण लड़ाकू विमान भी क्रैश हो गया था। उस वक्त विमान प्रत्यक्षदर्शी उड़ान पर था और जैसलमेर से उड़ा था। हालांकि इस हादसे में पायलट सुरक्षित रूप से विमान से बाहर निकलने में कामयाब रहे थे। पीएम न्यूज 24 की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि भारत पुलवामा हमले का पाकिस्तान से और एक बार बदला ले तो इस वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, वाघा बॉर्डर के रास्ते आज दोपहर करीब 2 बजे पाकिस्तान से एयरफोर्स के विंग कमांडर अभिनंदन वतन वापस लौट रहे हैं। पूरा देश उनके स्वागत के लिए पलखे बिछाए खड़ा है। बताया जा रहा है कि विंग कमांडर को लेने एयरफोर्स अफसरों की एक टीम बॉर्डर जाएंगी, वही अभिनंदन के माता पिता इसी मौके पर मौजूद रहेंगे। बेटों को लेने के लिए आज सवेरे चेन्नई से माता पिता फ्लाइट से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। यहां लोगों ने ताले बजाकर उनका स्वागत किया। देर रात करीब 1:30 बजे चेन्नई से दिल्ली पहुंचे और फिर दिल्ली से फ्लाइट चेक करके अमृतसर निकल गए। वही विंग कमांडर की वापसी के चलते वाघा बॉर्डर के कई सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं।
लोग काफी संख्या में इस बहादुर जवान का स्वागत करने के लिए खड़े हैं। लोग हाथों में तिरंगा और ढोल नगाड़े लेकर स्वागत को तैयार है। पूरा देश विंग कमांडर की बहादुरी का अभिनंदन कर रहा है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इच्छा जताई है कि पाकिस्तान से लौट रहे विंग कमांडर अभिनंदन के स्वागत का मौका उन्हें दिया जाए। कैप्टन ने इस संबंध में ट्वीट कर पीएम नरेंद्र मोदी से अपील की है। सीएम ने कहा है कि पीएम को संबोधित करते हुए ट्वीट किया गया है कि वह समय पंजाब के सीमांत इलाकों का दौरा कर रहे हैं। वह अमृतसर में है। उन्हें पता चला है कि पाक सरकार ने विंग कमांडर अभिनंदन को वर्तमान को वाघा बॉर्डर के जरिए भारत भेजने का फैसला किया है। पीएम न्यूज 24 की रिपोर्ट। पुलवामा में जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया है। सूत्रों के मुताबिक एक दर्जन मिराज विमानों ने पाक अधिकृत कश्मीर में घुसकर जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को लगभग 100 किलो विस्फोटक गिराए हैं। सूत्रों के अनुसार वायुसेना ने करीब 12 मिराज 2000 विमानों का इस्तेमाल करते हुए पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया है। खबर यह आ रही है कि जिस जैश के कई प्रमुख सरगना भारत में ऐसे हमले की पहले से अंदाजा लगा चुके थे और उन्हें अपने ठिकाने बदल लिए थे। खुफिया सूत्रों के अनुसार इस हमले की आशंका जैश के आंकड़ों को पहले से ही थी, इसलिए उन्हें उनके कई प्रमुख आतंकी आकाश सुरक्षित ठिकानों पर चले गए थे। जैश ए मोहम्मद की खुफिया मौलाना मसूद अजहर का भाई भी शायद पंजाब के अपने ठिकानों से कहीं और चला गया। सूत्रों के अनुसार मौलाना मसूद अजहर भी खुद को बलरामपुर जैश कैंप में नहीं है। भारतीय वायुसेना ने करीब 1000 किलोग्राम विस्फोटक का इस्तेमाल किया है। इसका इस्तेमाल आतंकी ठिकानों को तबाह करने के लिए किया गया है। सबसे पहले पाकिस्तान की सेना ने यह स्वीकार किया था कि भारतीय विमानों ने उनकी सीमा में घुसकर विस्फोटक किया है। मंगलवार को तड़के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफ्फार ट्वीट ने किया, भारतीय वायुसेना ने नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किया। पाकिस्तान वायुसेना ने तुरंत कार्रवाई की, भारतीय विमान वापस चले गए। कपूर की तरफ से इस दावे के लिए डिट्वीट किया गया। पीएम न्यूज 24 की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि भारत पुलवामा हमले का पाकिस्तान से बदला ले तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के गढ़गांव में 7 किलोमीटर दूर गारे गांव में एक विंग लड़ाकू विमान क्रैश हो गया है। विमान खेत में जाकर गिरा और इसमें आग लग गई। हादसे की वजह से अब तक साफ नहीं हो पाई है, मगर पाकिस्तानी मीडिया का ये दावा है कि पाकिस्तान ने हमारे 2 विमान मार गिराए हैं। ये पाकिस्तान की मीडिया में अभी फैल रहा है। हादसे में दोनों पायलटों की मौत की आशंका जताई जा रही है। इस विमान में श्रीनगर एयरबेस से उड़ान भरी थी। सूत्रों का कहना है कि कश्मीर में विमान पेट्रोलिंग पर था तभी क्रैश हो गया। प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि विमान नीचे गिरा और आग निकलने लगी और थोड़ी देर में जोरदार आवाज आ गई और विमान क्रैश हो गया। इसमें आग लग गई और मौके पर पुलिस और बचाव दल पहुंचा। मालूम हो कि यह घटना ऐसे वक्त में हुई है जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल है। बता दें कि बीते 20 दिनों में भारत के 5 विमान क्रैश हुए हैं। हाल ही में बेंगलुरु में एयर शो के दौरान 2 सूर्यकिरण विमान आपस में टकराकर क्रैश हो गए थे। गौरतलब है कि बड़गांव के राजस्थान में पोखरण लड़ाकू विमान भी क्रैश हो गया था। उस वक्त विमान प्रत्यक्षदर्शी उड़ान पर था और जैसलमेर से उड़ा था। हालांकि इस हादसे में पायलट सुरक्षित रूप से विमान से बाहर निकलने में कामयाब रहे थे। पीएम न्यूज 24 की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि भारत पुलवामा हमले का पाकिस्तान से और एक बार बदला ले तो इस वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, वाघा बॉर्डर के रास्ते आज दोपहर करीब 2 बजे पाकिस्तान से एयरफोर्स के विंग कमांडर अभिनंदन वतन वापस लौट रहे हैं। पूरा देश उनके स्वागत के लिए पलके बिछाए खड़ा है। बताया जा रहा है कि विंग कमांडर को लेने एयरफोर्स अफसरों की एक टीम बॉर्डर जाएंगी। वही अभिनंदन के माता पिता इसी मौके पर मौजूद रहेंगे। बेटों को लेने के लिए आज सवेरे चेन्नई से माता पिता फ्लाइट से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। यहाँ लोगों ने ताले बजाकर उनका स्वागत किया। देर रात करीब 1:30 बजे चेन्नई से दिल्ली पहुंचे और फिर दिल्ली से फ्लाइट चेक करके अमृतसर निकल गए। वही विंग कमांडर की वापसी के चलते वाघा बॉर्डर के सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं। लोग काफी संख्या में इस बहादुर जवान का स्वागत करने के लिए खड़े हैं। लोग हाथों में तिरंगा और ढोल नगाड़े लेकर स्वागत को तैयार है। पूरा देश विंग कमांडर की बहादुरी का अभिनंदन कर रहा है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इच्छा जताई है कि पाकिस्तान से लौट रहे विंग कमांडर अभिनंदन के स्वागत का मौका उन्हें दिया जाए। कैप्टन ने इस संबंध में ट्वीट कर पीएम नरेंद्र मोदी से अपील की है। सीएम ने कहा है कि पीएम को संबोधित करते हुए ट्वीट किया गया है कि वह समय पंजाब के सीमांत इलाकों का दौरा कर रहे हैं। वह अमृतसर में है। उन्हें पता चला है कि पाक सरकार ने विंग कमांडर अभिनंदन को वर्तमान को वाघा बॉर्डर के जरिए भारत भेजने का फैसला किया है। पीएम न्यूज 24 की रिपोर्ट। पुलवामा में जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया है। सूत्रों के मुताबिक एक दर्जन मिराज विमानों ने पाक अधिकृत कश्मीर में घुसकर जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को लगभग 100 किलो विस्फोटक गिराए हैं।
सूत्रों के अनुसार वायुसेना ने करीब 12 मिराज 2000 विमानों का इस्तेमाल करते हुए यूएई में मौजूद आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया है। खबर यह आ रही है कि जिस जैश के कई प्रमुख सरगना भारत में ऐसे हमले की पहले से अंदाजा लगा चुके थे और उन्हें अपने ठिकाने बदल लिए थे। खुफिया सूत्रों के अनुसार इस हमले की आशंका जैश के आंकड़ों को पहले से ही थी, इसलिए उन्हें उनके कई प्रमुख आतंकी आकाश सुरक्षित ठिकानों पर चले गए थे। जैश मोहम्मद की खुफिया मौलाना मसूद अजहर का भाई भी शायद पंजाब के अपने ठिकानों से कहीं और चला गया। सूत्रों के अनुसार मौलाना मसूद अजहर भी खुद को बलरामपुर जैश कैंप में नहीं है। भारतीय वायुसेना ने करीब 1000 किलोग्राम विस्फोटक का इस्तेमाल किया है। इसका इस्तेमाल आतंकी ठिकानों को तबाह करने के लिए किया गया है। सबसे पहले पाकिस्तान की सेना ने यह स्वीकार किया था कि भारतीय विमानों ने उनकी सीमा में घुसकर विस्फोटक किया है। मंगलवार को तड़के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ कप्पा ट्वीट ने किया, भारतीय वायुसेना ने नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किया, पाकिस्तान वायुसेना ने तुरंत कार्रवाई की, भारतीय विमान वापस चले गए। कपूर की तरफ से इस दावे के लिए डिट्वीट किया गया। पीएम न्यूज 24 की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि भारत पुलवामा हमले का पाकिस्तान से बदला ले तो कमेंट बॉक्स